हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कहिए, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे और सभी को ठीक भी रहना चाहिए। मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को गूगल एडसेंस की कुछ अहम जानकारी के बारे में बताने वाला हूँ। आगे गूगल एडसेंस के बारे में सभी यूट्यूब क्रिएटर को जानकारी होनी ही चाहिए, तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे, देन इसे यूज कर पाएंगे। आगे जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो जब भी कोई यूट्यूब क्रिएटर अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो उसी टाइम से गूगल एडसेंस की जरूरत पड़ने लगती है, और फिर यदि उनका गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना हुआ होता है तो उसी टाइम उन्हें बनाना पड़ता है, ठीक है। और फिर जब उनके यूट्यूब चैनल पे अर्निंग शुरू हो जाता है तो फिर उनको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को अपने बैंक से लिंक करना पड़ता है, बैंक से कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि यूट्यूब से जो भी आपका अर्निंग हो वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाए, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। आगे आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को कब और कैसे अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको लेकर के भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख के सीख सकते हैं। आगे मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और जब आप अपने गूगल एडसेंस को बैंक से लिंक कर लेते हैं, आगे जब आपके यूट्यूब पे अर्निंग होने लगता है, जब आपका यूट्यूब से $100 अर्निंग हो जाता है और आपके एडसेंस में एड हो जाता है, फिर आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। तो जब आप अपने गूगल एडसेंस को बैंक से लिंक कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है आगे जानते हैं। तो जैसे आपका यूट्यूब से अर्निंग शुरू हो जाता है तो आपका यूट्यूब अर्निंग से जो भी डॉलर बनता है वो आपके एडसेंस में एड होता जाता है। तो एड कब होता है, तो जैसे आपका महीने भर में जो भी अर्निंग होता है वो डॉलर में होता है, तो जैसे कि महीना 30 दिन का है तो 30 दिन का, या तो 31 दिन का है तो 31 दिन का, तो जो भी पूरे महीने का अर्निंग होता है जितना डॉलर होता है वो फिर नेक्स्ट मंथ 7 से 11 तारीख तक एडसेंस में एड हो जाता है, ठीक है। और उसी महीने के 21 तारीख से महीने के लास्ट तक आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है, यदि आपके एडसेंस में $100 पूरा होता है तब, और उससे कम होगा तो आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा, आपके एडसेंस में ही वो डॉलर पड़ा रहेगा। फिर नेक्स्ट मंथ जब आपके एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, वो ट्रांसफर नेक्स्ट मंथ 21 तारीख से मंथ के लास्ट तक हो सकता है, वो बैंक पे डिपेंड करता है, कोई बैंक जल्दी कर देता है, कोई बैंक थोड़ा डिले करता है, ठीक है। तो उसके लिए बरी नहीं होना है, मंथ के लास्ट तक आपके एडसेंस में जो भी डॉलर है वो आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसमें रूल यही है कि आपके एडसेंस में $100 होने चाहिए, उससे ज्यादा जो भी होगा वो ट्रांसफर होगा, $100 से कम जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। आगे इसमें कुछ प्रॉब्लम इशू हो रहा है जो मेरे साथ फेस हुआ है, तो मैं सोचा आप लोग तक शेयर कर दूं, ठीक है। तो सपोज आपका यूट्यूब चैनल 2023 में मोनेटाइज हुआ है, उसके बाद आपने अपने एडसेंस को अपने बैंक से लिंक किया है, ठीक है, लेकिन अभी तक आपके एडसेंस में $100 कंप्लीट नहीं हुए तो वो बैंक में ट्रांसफर नहीं हुए हैं, लेकिन आपने बैंक से एडसेंस को लिंक कर रखे हैं लेकिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने की वजह से आपका एडसेंस जो बैंक से लिंक किया हुआ है वो अनलिंक तो नहीं कर दिया गया है, इसे आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने 31 मार्च तक अपने एडसेंस को ओपन करके चेक किया था तो सब कुछ सही था, बैंक से लिंक किया हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल के बाद मैंने एकाएक एडसेंस को ओपन करके देखा तो मेरा बैंक जो लिंक किया हुआ था वो अनलिंक किया हुआ है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे एडसेंस में $100 जमा नहीं हुए थे, कंप्लीट नहीं हुए थे, इस वजह से बैंक में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो एडसेंस से बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने की वजह से एडसेंस को बैंक से अनलिंक कर दिया गया है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो यदि आपका भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है और आपने एडसेंस को बैंक से लिंक कर रखे हैं
और अभी तक आपके एडसेंस में $100 जमा नहीं हुए हैं, आपका एडसेंस से कोई भी ट्रांसफर बैंक में नहीं हुआ है और आपने अपने एडसेंस को इस फाइनेंशियल ईयर के पहले बैंक से लिंक कर रखे हैं, तो आप जरूर एक बार अपने एडसेंस को ओपन करके चेक कर लें, कहीं आपके एडसेंस को भी बैंक से अनलिंक तो नहीं कर दिया गया है। तो इससे कोई खास दिक्कत नहीं है, आप दोबारा लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे ये वीडियो आपको कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।